गुड मॉर्निंग एंड जय नाइन टू ऑल माई डियर स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वी नो दैट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल पैथोजन तो आज हम लोग डिफरेंट uh, जो पैथोजेंस है मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या क्या डिजीज करते हैं स्प्रेड उसको हम लोग पढ़ेंगे Harmful microorganism. Microorganisms are harmful in many ways. हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल होते हैं मतलब बहुत ऐसे वे हैं जिसके लिए हम लोग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल अभी तक हम लोगों ने यूजफुल पढ़ा अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हार्मफुल है इसके बारे में सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग प्लांट एंड एनिमल कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में भी एनिमल में भी और ह्यूमन बींग में भी सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन वैसे मतलब सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं पैथोजन इंटर जब हम पैथोजन बोले इट मींस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके तो पैथोजन इंटर आवर बॉडी हम पैथोजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है कैसे थ्रू वी एयर थ्रू द एयर एयर के थ्रू जब हम सांस लेते हैं वोटर वी तो ड्रिंक जब हम आ, पानी जो पीते हैं उसके थ्रू या जो हम भोजन खाते हैं उसके थ्रू जो है ये पैथोजन क्या हो जाते हैं हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं और ये जो है आपका ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और कैरेट थ्रू एन एनिमल मतलब कि ये जो आपका ट्रांसमिशन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम तो बोले एयर वाटर और फूड उसके अलावा जो हम लोग डायरेक्ट uh, कांटेक्ट रहते हैं मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना ठीक है या किसी मतलब एक हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं तो इस आ, ऐसे भी जो है आपका ये डिजीज़ ट्रांसमिट होता है या थ्रू एनिमल एनिमल के थ्रू भी जो है आपको डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं तो यही लिखा है कि पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पैथोजन हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं तो पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी इट दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरेट थ्रू एन एनिमल ओके और वैसे डिजीज जो आपके फैलते जो कह सकते हो कि छुआछूत मतलब ए, ए, एक एक हेल्दी पर्सन से अगर आपका इन्फेक्टेड पर्सन जो के थ्रू जो डिजीज फैलते हैं चाहे वो एयर के थ्रू चाहे वाटर के थ्रू या फूड या फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू ऐसे डिजीज़ को हम लोग कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं तो माइ Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food. और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल कॉम्युनिकेबल डिजीज तो कुछ कॉम्युनिकेबल देखिए यहाँ पे डिफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है जो कि आपको नाइन्थ में भी पढ़ना होगा कि वॉट डू मीन बाय या डिफाइन द टर्म कॉम्युनिकेबल डिजीज तो क्या होगा द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल कॉम्युनिकेबल डिजीज जैसे कौन कौन से जैसे कोले कोलेरा है कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स है ट्यूब है ये सारे कैसे डिजीज़ है ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कुछ डिजीज़ के नाम दे दिया जाए बताएं कि इसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है तो आप बता सकते हैं या क्वेश्चन रहता है कि डिफाइन द टर्म कॉम्युनिकेबल डिजीज़ विथ एग्ज़ाम्पल तो आप एग्जाम्पल में आप ये सब नाम को याद रखेंगे वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज जब मान लीजिए कोई इंसान है जो कि बीमार है आपको कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी से तो वो क्या करता है जब वो छींकता है तो जो छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं मॉइस्चर के जो छोटे ड्रॉपलेट होते हैं उस छोटे ड्रॉपलेट में लगभग थाउजेंड ऑफ वायरस जो है उसमें कैरी रहता है और जो कि एयर में क्या हो जाता है स्प्रेड हो जाता है फैल जाता है और यह वायरस जो है मे इंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग और क्या होता है कॉमन कोल्ड हुआ आपने छींका छीखने के के बाद जो है हमने बताया कि छोटे से ड्रॉपलेट में लगभग थाउजेंट ऑफ तो वायरस रहते हैं तो फिर जब हेल्दी पर्सन जब वो एयर इन्ल करेगा तो वो वायरस भी जो है वो क्या हो जाता है उसके बॉडी में इंटर कर जाता है जिसके थ्रू डिजीज स्प्रेड हो सकता है तो वेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड डिजीज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरी थाउजेंट ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर द वायरस में इंटर आवर एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल्ड जब सांस लेते हैं तो आ, उस दौरान जो है वो आपका एंटर कर जाता है हेल्दी के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं और एनिमल हैं जो कि किस तरह से एक्ट करते हैं कैरियर की तरह कैरियर मतलब कि वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं ठीक है थीके? मतलब उस माइक्रोब्स को वो क्या करते हैं फैलाने का काम करते हैं उसको हम कैरियर नाम देते हैं जैसे इसमें से आपका एक हाउस फ्लाई है जो मक्खियाँ हैं वो आपका एक कैरियर में आ, का काम करती हैं द फ्लाइज सिट ऑन द गारबेज जो मक्खियाँ होती हैं क्या होती है गारबेज पर जो है बैठती हैं या एनिमल स्क्रीटा पर बैठती हैं और क्या होता है कि उसमें उस स्क्रीटा में या गारबेज में क्या रहते हैं पैथोजन रहते हैं वो पैथोजन स्टिक हो जाते हैं उनके बॉडी में अब वेन दिस फ्लाई सेट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन अब वही फ्लाई जो है अगर uh, हम लोग अगर कोई फूड को कवर नहीं किया और वो वहाँ पर बैठ जाती है तो वो क्या कर दे रही है उसको पैथोजन को आपको ट्रांसफर कर दे मतलब गार्बेज से एनिमल्स क्रेटा से क्या करिए ट्रांसफ़र कर दे रहे हु एवर इट द कंटामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सेफ और जो उस भोजन कंटामिनेटेड फूड को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बीमार हो जाएगा ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अनदर कैरियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सॉरी मॉस्कीटो जो है इज अनदर कैरियर मॉस्कीटो कैसे हैं अनदर कैरियर है जैसे कि आपका ये ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ़ीमेल एनोफ्लिस फीमेल एनोफ्लीस जो मॉस्किटो है वो आपका कैरियर है किसका इसका ऑफ मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि मलेरिया को फैलाने में कौन ऐसा वैक्टर एक जो कि मलेरिया फैलाता है तो वो है आपका फ़ीमेल एन ये क्या है आपका कैरियर है ध्यान रखेंगे फीमेल एनोफ्लीस जो है वो क्या है आपका कैरियर है मलेरिया को फैलाने के लिए फिल है आपका फीमेल एडिस फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है ये किसका कैरियर है तो जो डेंगू वायरस जो होता है उसका कैरियर मतलब कि डेंगू वायरस को फैलाने का काम कौन करता है ये आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो क्लियर ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर टायर फ्लावर पॉट एटसेट्रा बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राइव वी कैन प्रिवेंट मॉस्कीटो फ्राम ब्रीडिंग तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि आपको मालूम है कि मा, जितने भी मॉस्कीटो होते हैं वो ब्रीडिंग क्या करते हैं वाटर में इसलिए हमें क्या चाहिए कि कभी भी पानी को कलेक्ट होने इधर उधर नहीं देना चाहिए जैसे कि कूलर में टायर में फ्लावर पॉट में मतलब कि कहीं पर भी जो है वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए और अपने सराउंडिंग को क्या करना चाहिए क्लीन रहना दें सूखे रहने दें ताकि हम आ, उसको ब्रीडिंग से आ, उस मॉस्किटो से बच सकते हैं मतलब प्रिवेंट होगा ब्रीडिंग ताकि मॉस्किटो क्या और ब्रीडिंग मतलब उस अपने पॉपुलेशन को क्या करेगा नहीं बढ़ा पाएगा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट यहाँ पे इस स्लाइड्स में आपको दो इम्पॉर्टेंट है हाउस फ्लाई है मेन कैरियर जो कि आपको डिजीज़ जो है स्प्रेड कर सकता है दूसरा दो मॉस्कीटो मॉस्कीटो में आपका दो मॉस्कीटो की बात हुआ एक एनोफ्लीज मॉस्कीटो और दूसरा है एडिस मॉस्कीटो तो एनोफ्लीज मॉस्कीटो के आ, आ, किस चीज़ का कैरियर है तो म, मलेरिया के पैरासट का और फीमेल एडिस मॉस्कीटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट राइस पोटैटो शुगर कैन ऑरेंज एप्पल एंड अदर द डिजीज इज रिड्यूस द एल्ड ऑफ क्रॉप दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं जैसे प्लांट में आपका वीट है राइस है पोटैटो है शुगर कैन है ऑरेंज है इस तरह से ये, आ, ये ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगा जो क्रॉप की एल्डिंग है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल के द्वारा जिस केमिकल के थ्रू जो है वो माइक्रोब्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे किल हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स क्या क्या प्लांट डिजीज होता है ये देखिए आपके सामने है प्लांट डिजीज सबसे पहला प्लांट डिजीज़ है वो है आपका साइट्रस कैंकर साइट्रस कैंकर जो है आपका बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है आपका हेयर ये देखिए आपको लेमन दिख रहा है लेमन पे जो अगर इस तरह से आपको दिखते हैं तो ये आपका साइट्रस कैंकर है तो ध्यान देंगे नींबू खरीदते समय आ, या खाने के पहले कि कहीं ये नींबू जो है इस तरह से तो नहीं लग रहा है तो अगर इस तरह से है तो इट मीनस उसको प्लांट डिजीज डिजीजे मतलब उसमें प्लांट डिजीज है आ, है और आ, कौन सा डिजीज है एयर तो और, और सीड याद रखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये डिजीज फैलते जैसे पूछ दिया कि रस्ट ऑफ वीट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनि बैक्टीरिया फंजाई वायरस ये सब तो आप बताएंगे फंजाई एलोवेन मोसैक ऑफ विंडी जिसको हम ओकरा भी कहते हैं विंडी को हम लोग ओकरा भी कहते हैं और ये जो एलोवेन मोजैक ऑफ विंडी जो है ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है वायरस के थ्रू और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है इसमें आपका इंसेक्ट्स है तो इन डायग्राम के थ्रू आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि कौन से प्लांट हम खा सकते हैं कौन से नहीं खा सकते हैं नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल अब मतलब एनिमल में जो है कौन कौन से डिजीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो हम देखेंगे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल हमने आपको बताया है कि केवल जो है ये डिजीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल ह्यूमन बींग में ही नहीं रहता है ये एनिमल में भी डिजीज़ कॉज करता है फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाई जो है और कैटल में भी डिजीज होता है, है थ्रू होता है तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या? कि के आ, डिजीज है क्या आपका एंथ्रक्स जो कि आपका ह्यूमन में भी होता है और कैटल में भी होता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाई वायरस और पूछा सक पूछा जा सकता है क्वेश्चंस की एनिमल में वायरस के थ्रू कौन सा डिजीज कॉज होता है तो आप बताएंगे फुट एंड माउथ डिजीज़ ठीक है रोबर्ट कोच डिस्कवर्ड बैक्टेरियम बैसिलस एंथ्रैस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि कौन uh, ऐसे साइंटिस्ट थे कौन ऐसे डिस्कवर uh, किया था बैक्टेरियम बैसिलस एंथ्रैसिस जो कि मेन कारण था एंथरेक्स डिजीज का तो वो है आपके रोबर्ट कोच बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप ध्यान में रखेंगे ये देखिए ये फुट डिजीज़ है और ये देख दिखे, दिखेगा आपको ये माउथ एंड डिजीज तो यही है आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ ध्यान रखेंगे फुट एंड माउथ डिजीज़ किसके थ्रू कॉज होता है ध्यान देंगे आप फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है आपका ये देखिए ये रहा आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ किसके थ्रू हुआ वायरस के थ्रू और एंथ्रैक्स किसके थ्रू हुआ बैक्टेरियम के थ्रू तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे ये देखिए आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ ये कि आपका एंथ्रैक्स एंथ्रेक्स में क्या होता है आपका स्किन और लंग्स जो है वो आपका इन्फेक्टेड हो जाता है अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में माइ ट्यूबर क्लासिस ये सारे ह्यूमन डिजीज़ हैं ट्यूबर कलासेस मिजेस चिकन पॉक्स पोलियो कोलेरा टाइफ हेपाटाइटिस मलेरिया ठीक है measles, pox, polio, cholera, typhoid, तो इसमें याद क्या रखेंगे ट्यूबर क्लासिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हैं आपके बैक्टीरिया हैं ठीक है ठीके? और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन मतलब ये जो टी बीमारी है ये फैलती किसके थ्रू है तो एयर के थ्रू इसीलिए टी वाले लोगों को हम लोग क्या करते हैं अलग रखते हैं ताकि डिजीज जो है स्प्रेड ना रहे ये सारे जो है जैसे मिजल्स है मिजल्स क्या है वायरल डिजीज़ है और ये भी एयर के थ्रू होता है चिकन पॉक्स भी वायरल है और आपको एयर और कांटेक्ट के थ्रू होता है पोलियो जो है वो भी वायरस है और ये एयर और वाटर के थ्रू होता है ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ वायरल ह्यूमन डिजीज़ का नाम बताइए कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बताइए मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है तो आप बताएंगे अब इन सारी चीज़ों का जैसे टी चिकन पॉक्स पोलियो इनसे हम कैसे बच सकते हैं तो किप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन इन ऐसे पेशेंट को हम क्या हैं एकदम अलग रखते हैं किप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मतलब और पेशेंट से जो है कहते हैं कि एक दूसरे दूस मतलब दूरी जो है वो आपको बनाए रखना है वैक्सीनेशन टू बी गिवेन एट सुटेबल एज वैक्सीनेशन हमने आपको वैक्सीन और वैक्सीनेशन का डिफरेंस बताया है वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं और वैक्सीन क्या है किल और वी माइक्रो ऑर्गेनिजम ठीक है तो एक सुटेबल एज पर आप देखेंगे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो डॉक्टर्स जो है उनको एक फ़ाइल पकड़ाते हैं तो उस फाइल में जो है हर एक एज के अनुसार जो है वैक्सीन रहते हैं और उस वैक्सीनेशन के लिए जो है वो कहते हैं कि हाँ इस एज में ये वैक्सीनेशन होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से हम वैक्सीनेशन के थ्रू भी जी थ्रू भी इस सारे डिजीज़ से हम बच सकते हैं सेकेंड है पॉइंट्स uh, में आप देखोगे कोलेरा है और टाइफॉइड है ये कोलेरा और टाइफॉयड दोनों क्या है आपका बैक्टीरियल डिजीज है और दोनों वाटर के थ्रू फैलता है और कोलेरा जो है आपका फूड के थ्रू भी फैलता है तो इनसे कैसे बचेंगे तो सभी चीज़ों में तो पहले आप एक वर्ड लिख ही सकते हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन गुड सैनिटरी हैबिट्स कंज्यूम प्रॉपर्ली कुड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन तो आप देख रहे हो कॉमन क्या है कॉमन यहाँ पर वैक्सीनेशन कॉमन है और क्या करेंगे टाइफॉयड और कोलेरा से बचने के लिए बहुत अच्छे से कुक फूड होना चाहिए और पानी जो हम पिए वो क्या करें? कैसा पिए बॉयल पानी पिएँ और साफ़ सफाई जो है आप मेनटेन रखें फिर है आपका हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए क्या है वायरल डिजीज़ है और ये ट्रांसमिट कैसे होता है वाटर के थ्रू ठीक है तो वाटर के थ्रू होगा तो हम क्या करेंगे ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो पियेंगे वो कैसा पानी पियेंगे ये आपका बॉयल करके और दूसरा जो है आपका वैक्सीनेशन वाटर जब भी आपको बोलता है मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन अगर आपका वाटर है तो आप क्या करेंगे ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर ठीक है वैक्सीनेशन आपने देखा कि प्रिवेंटिव मेजर्स सभी के लिए है ठीक है फिर आपका मलेरिया मलेरिया किसके थ्रू होता है प्रोटोजोआ ठीक है प्रोटोजोआ क्या है आपका वो प्लाज्मोडियम है और फैलता किससे है तो मॉस्कीटो कौन सा मॉस्कीटो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो ओके यू तो उसके लिए क्या करेंगे भाई यूज मॉस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्टो बाय नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि uh, भाई मॉस्कीटो से बचने के लिए आप क्या करोगे मॉस्टो नेट लगाओगे रिपेलेंट का उपयोग करोगे जो कॉयल और आप uh, लिक्विड्स लगाते हैं वो क्या है उसको रिपेलेंट कहते हैं फिर इंसेक्टिसाइड uh, का स्प्रे करेंगे जो uh, पानी इकट्ठा रहता वो इकट्ठा होने नहीं देंगे क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि ये ब्रीडिंग वाटर uh, जो है आपका क्या है मौस्कुछ... जो तो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है तो हम कलेक्ट वाटर नहीं रहने देंगे अपने इन्वायरमेंट को नीट और क्लीन बनाए रखेंगे ओके okay? तो इसमें क्या क्या बात देना है जैसे आपको पूछा जाए वायरल डिजीज तो वायरल डिजीज के लिए मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताया था मेज वर्सेस फेर एम फॉर मेजेस आई फॉर इन्फ्लुएंजा ठीक है सी फॉर चिकन पॉक्स एच फॉर आपका हेपेटाइटिस पी फॉर पोलियो ई फॉर इंसिफेलिटिस डी फॉर डायरिया एंड ए फॉर एड्स तो ये सारे क्या है वायरल डिजीज़ है तो आप इसमें याद रख लेंगे ताकि आपको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है वायरल डिजीज़ का नाम बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं ओके जयनारायण टू ऑल ओके okay, बेटा यहाँ पे एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है बहुत ही याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चन से लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे अभी हमने बताया आपको कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था डिस्कवर किया था किसका वैक्सीन का ठीक है कब किया था स्मॉल uh, पॉक्स के लिए किया था ना वैक्सीन और वो कब किया था तो इन 1798 रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था बैक्टीरिया uh, कौन सा है एंथ्रेसिस जो कि क्या करता है ये बैक्टीरिया कौन सा डिजीज़ फैलाता है तो एंथ्रेक्स डिजीज़ फैलाता है उसी तरह से आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था आपको पेनिसिलिन का जो है आपको डिस्कवर किए थे तो इन तीनों साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे Okay, general and to all.